बॉलीवुड में लगातार फिल्मों की रिलीज से पहले बॉयकॉट होना और फिर बुरी तरह से सिनेमा घरों में पिट जाना एक नया ट्रेंड सा बन गया है। जैसे ही किसी नई फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, वैसे ही उसको लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। हाई बजट में बनी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद तो स्टार्स को इसका भारी नुकसान तक उठाना पड़ता है, और इस बार बारी है फिल्म लाइगर के हीरो विजय देवरकोंडा की। जी हाँ, लाइगर के फ्लॉप हो जाने के बाद विजय देवरकोंडा को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल विजय ने फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रोड्यूसर्स को 6 करोड़ से ज्यादा की रकम वापस देने का फैसला लिया है। विजय ने इस मूवी के लिए 35 करोड़ की फीस दी थी, लेकिन अब ऐसी फीस में से 6 करोड़ से ज्यादा की रकम प्रोड्यूसर्स को वापस दे देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय अपनी अगली अपकमिंग फिल्म जन गण मन, जो कि एक पैन इंडियन फिल्म है, उसकी भी फीस नहीं ले रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जन गण मन एक हाई बजट की फिल्म होने जा रही थी, लेकिन पूरी जगन्नाथ और विजय देवरकोंडा के खराब स्क्रीन प्ले के बाद जन गण मन के बजट को भी कम कर दिया गया है। आपको बता दें, फिल्म लाइगर के प्रमोशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विजय तो कई हिस्सों में हवाई चप्पल पहनकर भी नजर आए थे और सुर्खियों में छाए रहे थे, लेकिन ऐसे नुस्खे अपनाने से कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्म को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मूवी ने अब तक हिंदी भाषा में 16.8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और कुल मिलाकर इसका कलेक्शन 39.08 ही हो पाया है। तो लगातार चल रहे बॉलीवुड में बॉयकॉट के ट्रेंड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट की सभी अपडेट्स के लिए